बुनियादी तौर पे जब हम लेबर मूवमेंट की बात करते हैं तो लेबर मूवमेंट जो है वो बनती है या मजबूत होती है तंजीमों से, मजदूरों की तंजीमों से, ट्रेड यूनियन से, और वो ही इसको मजबूत करते हैं अपने काम के ज़रिए से। लेकिन हमारा जो बहुत अहम जो मसला है वो ये है कि यहाँ हमारे पास राइट ऑफ एसोसिएशन प्रॉपरली लोगों को मैसर नहीं है और लोग तंजीम साजी नहीं कर सकते हैं, और हुकूमत की तरफ से भी ऐसे कानून बनाए गए हैं जो रुकावट है तंजीम साजी में। ठीक है, बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे मजदूर अब तंजीमें अपनी नहीं बना सकते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो एक तो बहुत बुनियादी बात यह जिसकी वजह से, और एक ऐसा ये भी एक इशू है कि बहुत सारी तंजीमों पर हिडन पाबंदी भी है, मतलब वैसे तो पाबंदी नहीं है लेकिन जो इदारे हैं हमारे पास जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों की यूनियंस को रजिस्टर करें, वो ऐसे रुकावटें डालते हैं कि वो अपनी यूनियंस को रजिस्टर नहीं करवा पाते हैं। तो हमारे पास जो यूनियंस जो तंजीमों में मौजूद हैं इस वक्त, वो उनकी तादाद बहुत थोड़ी है, वो 2% से कम लोग हैं जो मुनज़्ज़म हैं ट्रेड यूनियंस के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी बुनियादी और एक बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जो जिनकी तंजीमें भी नहीं हैं, जिनके राइट्स जो हैं उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको राइट्स उनके नहीं मिलते हैं, उनको लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं जो हमने आईने पाकिस्तान में और मुख्तलिफ कवानीन के अंदर मजदूरों के रखे हैं, वो सारे उनको राइट्स नहीं मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो जब ये लोग तंजीमों में मौजूद नहीं हैं तो लेबर मूवमेंट जो है हमारी वैसे भी कमज़ोर है, फिर इसकी बुनियादी बात यह है। तो लेबर मूवमेंट जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि तंजूर की तरफ जा रही है ना हमारी, तो इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और जब भी होगी जब हम अपनी तंजीमों में मुतहरिक होंगे, मुनज़्जम होंगे, और ज़्यादा लोगों को इस बात का हक होगा कि तंजीम साजी कर सकें। बुनियादी बात यह कि हमें मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, लोगों की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उन लोगों की जो मुनज़्ज़म नहीं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, भले वो अभी पहले स्टेज में अगर वो रजिस्टर नहीं भी हो सकते हैं तो पहले स्टेज में उनको हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जब मुमकिन है जब हम उनको हम उनके राइट से आगाह करेंगे, उनको उनको पता होगा कि अगर हम इकट्ठे होते हैं तो हम अपने हकूक को हासिल कर सकते हैं, तो पहले स्टेज में तो हमें ही करना होगा। फिर हमें दूसरे स्टेज में जब हम इकट्ठे हों और लोगों की ताकत बन जाए एक, तो दूसरे स्टेज में हम जो है गवर्नमेंट से लॉबिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल सकते हैं कि हम जो है ये जो इनकी तंजीमें हैं इनको रजिस्टर किया जाए, और वो जब ये तंजीमें रजिस्टर होंगी तो फिर हम मुतालबा कर सकते हैं कि वो सारे जो हमारा जो राइट ऑफ एसोसिएशन साथ साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट जो है वो उसको भी मेच्योर होना चाहिए, उसको भी हासिल होना चाहिए, और वो सारे डिमांड जो राइट्स के हवाले से हैं वो हुकूमत के सामने रखें, अपने मुलाजमीन के सामने, अपने मालकान के सामने रखें, तो मैं समझता हूँ कि उसको हम हासिल कर सकते हैं उनको। देखिए, इंटरनेशनल सॉलिडरिटी जो है ना वो ट्रेड यूनियंस के लिए या लेबर मूवमेंट के किसी मुल्क की वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इस तरह की तंजीमें हैं जो बैन अल-अक़वामी सतह पर काम करती हैं और हमारे जैसे मालिक की मदद करती हैं, उनके साथ उनकी मदद के साथ उनकी जो टेक्निकल सपोर्ट है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो एक बहुत अहम जुज़ है हमारी तंजीमों को मुस्तहकम करने के, मुनज़्ज़म करने के लिए। और हमारे पास यहाँ FES की सपोर्ट यहाँ लेबर मूवमेंट को हमेशा हासिल रही है, ठीक है, कम या ज़्यादा हासिल रही है हमारे पास। मैं समझता हूँ कि इसको मज़ीद बढ़ना चाहिए, ठीक है, और FES को अभी एक मशावरत मरकज़ में करनी चाहिए, एक ना एक वाइडर लेवल पे करना चाहिए, जो यहाँ तंजीमें लेबर के लिए काम कर रही हैं उन सबको बुलाना चाहिए, और फिर ऐसा मॉड्यूल डेवलप करना चाहिए जो और वहाँ ये बात रखें कि भाई कौन सा स्टेप्स हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स हैं यहाँ पर जो वर्कर्स के लिए ऑर्गेनाइज करें, कैसे वर्कर्स को मुस्तहकम करने के लिए अपना रोल प्ले कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि शायद हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसमें आगे बढ़ सकें। देखिए, जैसे जैसे सोसाइटी में ख़वातीन का किरदार बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है वो इनमें भी उनका किरदार बढ़ना चाहिए,
मजदूर तंजीमों में भी ख्वातीन का किरदार बढ़ना चाहिए, ठीक है। और ख्वातीन की एक बड़ी तादाद है जो अब काम कर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रही है और पब्लिक सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है। लेकिन उसका बहुत बुनियादी बात यह कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग वो मुनज़्ज़म नहीं हैं। इसी तरह जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको कई ऐसे शोबे हैं जहाँ उनको यूनियन साजी की आज़ादी ही नहीं है, वो तो मुनज़्ज़म ही नहीं है। तो अब इसके बावजूद कि हमारे पास बहुत सारे कानून ऐसे बने हुए हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं ख्वातीन को, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उन कानून पर ना तो अमल दरामद है, ना ख्वातीन को पता है उनका, ना वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसकी एक ज़रूरत है इस बात की कि जो ख्वातीन का किरदार है उसको बढ़ाया जाए, और ट्रेड यूनियन में बात ट्रेड यूनियनिस्टों को भी मोबिलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी मेल डोमिनेशन ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। और जो बुनियादी और करीदी अहदे हैं उनके ऊपर मर्द हजरात हमारे काम कर रहे होते हैं, तो ख्वातीन के लिए स्पेस कम है हमारे पास, तो उस स्पेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। और अगर स्पेस को बढ़ाते हैं ऐसे हालात पैदा करते हैं, मवाफिक हालात पैदा करते हैं ख्वातीन के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ख्वातीन को उनका जायज़ हक भी मिलेगा और वो एक बेहतर रोल भी प्ले कर सकती हैं इसके अंदर। और FES का इसके अंदर किरदार जो है बहुत बड़ा हो सकता है कि वो ख्वातीन की तंजीमें हैं उनको इकट्ठा करें, ठीक है, और उनको भी मतलब इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह दें, उनको मोबिलाइज करें इस हवाले से कि वो अपना रोल जो है वो इसमें प्ले करें। और ट्रेड यूनियंस जो है उनको भी हमें कहने की ज़रूरत है, मेल ट्रेड यूनियंस के वो भी जो है ख्वातीन के स्पेस पैदा करें।